फाड़ दिया भाई अंधे ने तो। कोई नहीं गाड़ी उठाओ एनएस। डॉक्टर पे चलो। एक मिनट कपड़ा बांधो पहले फाड़ो। पहले बाइक उठा यार। बाइक उठ रही है। एक बार स्टैंड लगाओ। हमें अभी कीटम झील गेट पे और यहाँ पे एंट्री पास वगैरह लिया था तो बनवा लिया है और अभी जा रहे हैं वर्ल्ड सेंचुरी अंदर, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे लिखी तो बहुत चीज़ें रही हैं कि ये चीज़ हमको देखने मिलेगी। और यहाँ सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है, बच्ची बिहार में गंदगी करना व कूड़ा फैलाना दंडनीय अपराध है। अगर आप हो तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी मत करना यार। हम लोग को ही ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं करनी है, तभी जाके ये सब चीज़ कम होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमको क्या देखने मिलता है वर्ल्ड सेंचुरी में अंदर जाके, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। ठीक है, आगे अभी तो मेरे को बंदर दिख रहा है और अभी देखते हैं क्या है। तो गाइस भालू वगैरह का बता रहे हैं कि देखने मिल सकते हैं, तो देखते हैं क्या चीज़ हमें देखने मिलती है और आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी तो मेरे को बंदर दिख रहे हैं तो हम आपको भी दिखाते हैं। और एक अपने साथ डोमिनार चल रही है भाई, डोमिनार 400। इसमें क्या है, पूरा जंगल ही जंगल है और आप लोग देख सकते हैं। और होप करते हैं यार हमको कुछ ऐसा दिखने मिल जाए जो कि भाई तुम्हें भी देख के मज़ा आए, सच बता रहा हूँ। तो देखते हैं क्या चीज़ देखने मिलेगी। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, हिरन है, भालू है, ऑस्ट्रिच वगैरह। तो देखते हैं क्या चीज़ देखने को मिलेगी। सफ़ेद बुज्जा पहली बार सुन रहा हूँ, ये चीज़ है क्या, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं है ये चीज़ है क्या। कैंटीन आगे है, ओके। मतलब इतना सारा पानी, ओ भाई ये है क्या चीज़ यार, ये क्या चीज़ है भाई, मेरे को नहीं मालूम। मछली भाई उड़ रही है, मछली सच में यार, इतनी बड़ी मछली मेरे को नहीं मालूम था भाई। देख रहे हो ना पूरा पानी, यमुना नदी है ना। क्या है क्या ये, कीटम झील है। अच्छा अच्छा सॉरी, ये झील है, आप लोग देख सकते हैं इसमें मछली दिख रही है मेरे को जो भाई ऊपर ऐसे उड़ रही है। सच में व्यू देखो, व्यू लाइक कर देने वीडियो के। यहाँ पे इतने बड़े कछुए भी मिलते हैं, इतने बड़े। तो देखते हैं, एक तो हमारे कछुआ यही हो गए सबसे बड़े। और आगे देखते हैं तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, डोरी काटा और जाल लेकर चले कहाँ तुम झील की ओर, पकड़े गए तो सड़ोगे झील में, कहला आगे मछली चोर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो भाई वैसे ही वेजिटेरियन आदमी है। तो ये अपने भाई साकिब भाई है, और क्या नाम से चैनल था भैया, आईजी बादशाह, बाइकर बादशाह 07, बाइकर बादशाह 07 के नाम से बाइकर चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लेना। इनके पास डोमिनार 400 है और ये ऑनर है उसके, ये चलाते हैं भाई, एग्जो डलवा रखा है, मॉडिफाई करा रखी है, तो बहुत अच्छी बाइक है। बाकी इनकी वीडियो को भाई लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये हमारे, अरे एक्सपोज भी करेंगे, और ये हमारे फिरोजाबाद से भाई है, वो भैया है वहाँ पे, इनने यार वेट नहीं करा मेरा, बिकॉज मेरा बिजी आ रहा था फोन। हाँ सॉरी, मेरे 3-4 फोन दोस्त के आए तो इसलिए लाइन बिजी हो गया होगा। तो भैया ने कॉल किया था एजमतपुर पे। चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि मछली पकड़ना यहाँ अलाउ नहीं है, आप लोग कांटा वाटा लेके ना, यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कतई। तो ये कीटम झील देख सकते हैं यार, कितना ही औसम व्यू है ना यहाँ का, बहुत ही मस्त लग रहा है। जो भाई वीडियो देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना अपना चैनल, ठीक है भाई। क्या ही लीन है ना भाई, क्या बात है, कौन नहीं देखो। तो आई डोंट नो यार, यहाँ पे अलग अलग बना रखा है सबका सब कुछ, थोड़ा सा वहाँ खड़े होते हैं और इसका व्यू आपको अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। फोटोशूट कराने तो फोटोशूट कराओ, तो आप लोग देख सकते हैं ये कीटम झील यार, तो देख रहे हो ना व्यू, देख रहे हो ना क्या व्यू, वो हौसम वाला यार, ठीक है। तो गाइस निकलते हैं यार यहाँ पे, और बहुत सारा एंजॉय किया, थोड़े फोटोशूट भी क्लिक करा लिए जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिलेंगे, रील्स वगैरह हैं। और इंस्टाग्राम पे जो आईडी है यहीं कहीं आ रहा होगा, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी, बिकॉज उससे क्या है ना, मैं वीडियो जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे पहले ही लोकेशन
शो कर देता हूँ कि कहाँ पे घूमने गया, इसलिए बोल रहा हूँ। तो वहाँ फॉलो कर लेना, क्या दिखाना वहाँ पे भी। और अपने सारे भाई यहाँ पे, अपने सारे भाई बाइकर्स जो भी हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ऑफ रोड का मज़ा लेना है, अभी फिर करना है, ठीक है। हिमालयन चाहिए आज, क्योंकि यार हिमालयन ही यहाँ पे काम करेगी भाई, बिकॉज ऑफ रोड आने वाला है पूरा पूरा, समझ रहे हो ना, अलग ही फील आएगा। देख सकते हो आप लोग, वो भाई साहब लगेगा क्या, नहीं बच गया, चलो टैंगो जो मैं बच गया। ओ भाई साहब, ऑफ रोड के मजे ले लो, ठीक है। तो ये ऑफ रोड है, अरे रे रे रे, क्या बात है। आई थिंक यहाँ पानी वगैरह पड़ा है ना, बारिश हुई है तो उसकी वजह से गीला भी है। ओहो भाई, यहाँ तो कांटे पड़े हैं यार, बाइक पंचर ना हो जाए। आप लोग ये देख सकते हैं भाई, अपन लोग हैं अभी यहाँ पे, और अभी बाइक के ऊपर लेके चलेंगे। ओ भाई साहब, क्या ही यार, अलग ही वो है ना चीज यार। ना यार, एग्जॉस्ट बड़ा है भाई की बाइक में, मतलब आतंक मचा रही है, आतंक फुल आतंक। एसटी प्रोजेक्ट चला हुआ है, ये देखो। और ये भाई अपने फिरोजाबाद से है भाई, क्या ही फील है ना यहाँ पे भाई, मजा आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग, हम कीर्तन झील आज एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे आई होप। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स जरूर करना, ठीक है, लाइक शेयर करके जरूर जाना। और आप लोग देख सकते हैं, ये है कीर्तन झील, जो कि भाई पूरा ही पानी भरा पड़ा है। और कीर्तन झील का ही मतलब है कि पानी और जंगल, चले देते हैं, पेड़ पौधे भाई बहुत ज़्यादा हैं। और ये झील देख सकते हैं आप लोग, पीछे मेरे झील है, और इसमें मछलियाँ हैं जो कि भाई ऊपर आती है और फिर नीचे चले जाती है, डॉल्फिन की तरह आती है ना, ऊपर आती है फिर नीचे चली जाती है, अच्छी लगती है। देख सकते हैं आप लोग, यार पूरा ही इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, ये जंगल वाला फील देना चाहूँगा। सो ये देख सकते हैं आप लोग भाई, ये पेड़ का नाम तो मेरे को नहीं मालूम, इससे क्या कहते हैं आई डोंट नो भाई। थोड़े से सब्सक्राइबर रहने हैं, जल्दी से अपने 1500 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाओ, ठीक है ना। और बाकी अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, हो सकता है मथुरा भी निकल जाए मे भी, तो अभी कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं आप लोग, पूरा मतलब जंगल वाला फील आ रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ ऊपर चलते हैं, अपने आकाश भाई आ रहे हैं और मैं, तो यहाँ से पूरा ही अच्छा फील लेंगे भाई, देन ऊपर ही चलते हैं पूरे टॉप पे। तो मैं पूरे टॉप पे जाके देखता हूँ है क्या चीज़, यहाँ से कैसे व्यू आता है ना, वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ भाई साहब। ओ भाई, यहाँ से क्या ही व्यू है ना यार, पीछे देखो भाई यार, कितना औसम व्यू आ रहा है ना सच में यार, क्या दिख रहा है ना यार, ये देख सकते हैं। होप करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को हमको नहीं मिला, जो कि वहाँ पे वो बोल रहा था कि यार ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ओ भाई साहब, क्या ही है ये, ओ भाई, क्या बात है, रुक जाओ, थामा। सारे बंदे अपने आ रहे हैं यूपीएससी वाले,
अबे शिट यार, अबे यार मैं इसीलिए मैंने इसीलिए कितने ठोक पीछे से किसने दिया बना पहले ही गाड़ी यहां तेज चलाने वाले गाड़ी बंद कर दे उसने नहीं तो गाड़ी यहां रुकी है मैं पीछे पड़ी हूं बंद कर लो बंद कर लो मेरे को लगा यार रुक रहे हो तुम लोग कोई नहीं गाड़ी उठाओ एनएस डॉक्टर पे चल ओए एनएस डॉक्टर पे चल डॉक्टर पे लेके चल भाई क्या हो अरे भाई उंगली टूट गई जल्दी कर यार चूतिया यार एक मिनट कपड़े बांधो पहले फाड़ो पहले बाइक उठा यार बाइक उठ रही है रुको एक मिनट स्टैंड लगाओ अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभिषेक भाई एक मिनट एक मिनट स्टैंड लगाना स्टैंड खोलो रुको रुको यहाँ डॉक्टर नहीं बाहर ही चलो ठीक है बाहर निकालो आराम से लेकिन गाड़ी ओए देख के गाड़ी आराम से बिल्कुल कोई नहीं चलाएगा तेज तुम्हें लगी तो नहीं आराम से लेके आराम से इनसे पहले मैं था भाई मैंने ब्रेक नहीं लगाई इसलिए मेरी ABS ऑफ है ABS ऑफ हो गए मेरे इसलिए मैंने ब्रेक नहीं लगाया अगर नीचे जा रही तो जाने देता मैं ब्रेक नहीं लगा था अभी मैंने तुमसे क्या बोली थी ये चीज बोली थी मेरी तो यहाँ के रुक गई है तो ठुकी किस कि किसके अंदर ठुकी है वो वाली चल रहे हैं वो जरूरी है वो गया ना तुम्हारे लगी दोनों की अबे यार अबे यार मिट्टी है तुम्हारे में कहाँ लगी गाड़ी में कहाँ लगी प्रॉब्लम तो नहीं हो गाड़ी में यार तुम्हारे कोई पीछे से ही पड़ा नहीं नहीं इनकी नहीं लगी मेरी तो बहुत आराम से गिरी है और बताऊं बची कैसे टूटी क्यों नहीं है गड्ढे के अंदर गिरी है इसलिए तो मैंने बोली यार ऐसे गलत चलाना चाहिए यार रोड है यार गलत नहीं यार मैं तुम सबसे बोलूं सभी गलत चला रहे हो और मैं सबसे मना कर रहा हूँ सबसे बोला कि आराम से चलाना आराम से चलाना आराम से और मैं बाहर भी ये चीज बोल रहा था मैंने कि भाई यहाँ गाय भैंस भी है यहाँ सब कुछ आता है तुम अरे गिट्टियाँ डाली है वो होनी है स्किड तो होगी उंगली ये ना टूट रही है टूटी तो नहीं यार वो मैंने उंगली देख ली उसकी उठ रही है अलग से ही यहाँ से हो सकता है बाइक साइड में करना भाई लग रहा है मुझे शायद वो दर्द की वजह से ऐसी की ऐसी रह गई यार ये ड्रामे यार दिमाग खराब हो जाते हैं मेरे बाहर चलो उस बंदे के पास चलो सब लोग सही है ना सब लोग सही है आराम आराम चलो चलो बैक करो शिट यार आराम आराम से चलो जागा उन्हीं जैसे घूमने आए अरे वो बाद में करना बाद में करना बाहर चलो वो मैं करवा दूंगा चलो अरे वो सब हो जाएगा सीधे चलो एक मिनट